चाहिए, मैच हो, ठीक है, मैच अगर हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए अगर टॉस जीतकर यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या लेगी? टॉस जीत के मेरे हिसाब से गेंदबाजी, हाँ बोलिंग, डीएलएस आएगा बोलिंग ना इसमें, इसमें डीएलएस आएगा उसके हिसाब से उसके चलो। लिए, स्पेशली उसके लिए। देखिए मैं आरसीबी डीएलएस, का बहुत बड़ा फैन देखिए हूँ लगता है कि भाई। मुकाबले के बीच में बारिश आएगी। आएगी आएगी। ये पिच रिपोर्ट किसने करी थी आरसीबी जीतेगी? आपने आपने की नहीं थी करी थी मैंने। आरसीबी जीती? पिच हाँ रिपोर्ट या क्या रेन प्रेडिक्शन? पिच रेन प्रेड नहीं, पिच रिपोर्ट करी किसी ने? नहीं करी। रिपोर्ट की होगी हमारे ओम भाई ने, पिच और हमारे वेदर में टैलेंटेड उन्होंने बताया था कि बारिश होगी कि नहीं? यार, ये तो उनसे पता करना पड़ेगा। खैर कि उन्होंने डिस्क्राइब किया था बाकी कि नहीं। चलो आप आगे कमेंट्स लो, आरसीबी क्या कह रहे हैं? मैं आरसीबी का बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। अरे बिट्टू बहुत बढ़िया भाई भाई, चले, अच्छी हम बात तो है चाहते बिट्टू हैं भाई। आरसीबी जीते, एलएसजी और आरसीबी हमने दोबारा देखना है। एमआई एलएसजी में कोई मजा नहीं है। हाँ एमआई का हो गया भाई यार, नहीं चाहते यार भाई, बहुत अरे हो गया यार, नहीं चाहिए यार। या और तो सीएसके एमआई आई जीते तो या बड़ी आरसीबी दिक्कत जीते, देगी। एलएसजी तो ना ही जीते भाई टाइटल, हाँ मैं मजा ही नहीं आएगा देखने में उसको। भाई, आरसीबी चाहिए, आरसीबी चाहिए, बस आरसीबी चाहिए प्लेऑफ्स में, और आरसीबी को ही आना चाहिए। श्रेया पांडे, आई सपोर्ट बोथ आरआर एंड आरसीबी, जस्ट अ लिटिल इंक्लिनेशन फॉर ओवरऑल टीम ऑफ आरआर। इनफैक्ट हर टीम को किसी ना किसी पर्टिकुलर फेवरेट प्लेयर के लिए सपोर्ट करती हूँ। बिल्कुल ये बात तो सही है श्रेया पांडे जी। देखिए चेन्नई को हर कोई सिर्फ धोनी के लिए सपोर्ट करता है, अदरवाइज बहुत से लोग दूसरी टीमों को सपोर्ट करते हैं। विराट कोहली के लिए आरसीबी को सपोर्ट किया जाता है, रोहित शर्मा के लिए मुंबई इंडियंस को सपोर्ट किया जाता है। ऐसी कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स हर टीम में हैं जिनके लिए आप मैचेस देखते हैं। बिल्कुल आरसीबी की जीत के बाद मेरा नाम जरूर लेना, मना माना क्योंकि मैंने प्रिडिक्शन कर दी है। बिल्कुल भाई, आप अपना असली नाम बताइए, ये रियल नेम। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपका ये रियल नेम होगा, आप अपना रियल नेम बताइए, हम आपका लाइव में जरूर नाम लेंगे। बिल्कुल बिट्टू भाई, आपका निकनेम बिट्टू है बट आपका रियल नेम आप बता दीजिएगा तो जरूर आपका नाम लेंगे। बट आरसीबी क्वालिफाई करेगा ये अभी से नहीं कह सकते, क्योंकि मैच कंप्लीट होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। रद्द हो जाए तो दिक्कत, जीती हरा दे तो दिक्कत, तो देखिए आरसीबी के आप लिए। कह रहे हैं कि डीएलएस मेथड होगा और जो सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करेगी वो टीम पर ज्यादा इजी रहता है डीएलएस का, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई पहले बल्लेबाजी करो, रन बना लो और प्रेशर प्रेशर डालो। डालो। मतलब सेकंड इनिंग में तो भाई मॉइस्चर आया तो टर्न होगा ही होगा, क्योंकि आरसीबी के जनरल जो विकेट थे हमने देखा प्ले जो कर रही थी वो वैसे भी ड्राई होती जा रही थी लगातार जैसे जैसे मैच पड़े हैं। और ड्यू ड्यू, अब बारिश में क्या ड्यू का फैक्टर लोगे? बारिश तो पड़ जाएगी, फिर तो बारिश की वजह पूरा से तो वैसे ग्राउंड ही गीली वैसे ही होगी। है। मतलब ड्यू है, ड्यू रहेगा, बारिश में तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी ना, बारिश के बाद तो ड्यू रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पर आप क्या चाह रहे हो, पहले टॉस जीतती गेंदबाजी? बल्लेबाजी, ओ बल्लेबाजी। बल्लेबाजी और रन लगाए बोर्ड पे, मैं हाँ सुन लो पहले, हाँ बल्लेबाजी और रन लगाओ बोर्ड पे जो भी टीम जीते, जीटी या आरसीबी, और फिर सेकंड इनिंग्स वाली टीम पर प्रेशर डालो, स्पिनर्स लेके आ जाओ जल्दी। मतलब तेज तो बिल्कुल मत ही दो यहाँ पर, क्योंकि मॉइस्चर है और तो टर्न होगा ही होगा। और साथ में भाई वो फिर डीएलएस मेथड तब यहाँ पे प्ले करता है कि अगर आप उस जब जो पहली इनिंग में बल्लेबाजी कर रही होती है टीम और उस ओवर में होती है जो सेकंड हाँ इनिंग में सही, बल्लेबाजी कर रही वो होती है टीम, कंपैरिजन देखते उसका हैं। रन का कंपैरिजन देखते हैं कि भाई पहली इनिंग में जो बल्लेबाजी कर रही है टीम वो इतने पे थी, आप उतने पे नहीं हो, तो फिर पलड़ा भारी रह जाता है बैटिंग फर्स्ट टीम का। तो उसी हिसाब से जो है फिर उसके बाद अगर मैच धुल जाता है, नहीं होता मैच, अबैंडन हो जाता है, तो फिर जो पहली इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी की होती है वो जीत जाती है। नहीं वही बात है ना, बट डीएलएस में कैलकुलेशन आसान होता है क्योंकि आपको कुछ ये भी पता भाई रहता बहुत है। मुश्किल होता है उसका कैलकुलेशन। नहीं जो टीम है सेकंड चेस कर रही है उसके लिए कैलकुलेशन सही रहता है। जैसे मान लीजिए आपने 18 ओवर में बनाए इतने, ठीक है, अब आपको हर ओवर के बाद आपके पास वो ऊपर स्क्रीन पर चलेगा कि इस ओवर में आपको इतने रन आगे, ये चल रही है ये चल रही है, जी उस हिसाब से आप अपने रन रेट को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, आपको कैसे मैनेज करना है। मेरे हिसाब से तो भाई टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेना चाहिए, बाद में चेस करें। डीएलएस आएगा तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिट्टू भाई यही है नियम रियल। चलिए बिट्टू भाई बिल्कुल आपका नाम याद रहेगा। श्रेया पांडे जी मेरा भी ये रियल नेम थोड़ी ही है, बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट किसी और नाम से आई थी, मुझे नहीं आई थी, मतलब ऑफ कोर्स पिछले साल, बट याद नहीं आ रहा आपका रियल नेम, बट हाँ ये बात मेरा आपकी भी सही। ये रियल नेम थोड़े ही है। बिट्टू भाई हेलो श्रेया पांडे, श्रेया पांडे जी भाई देखिए यही खत्म, कमेंट सेक्शन में हेलो आप कर चलो दीजिएगा यही शुरू बिट्टू हो भाई गया भाई। को। तो बाकी तो खैर अगर मैच की बात करें तो एसआरएच और एमआई ने, एमआई बिट्टू जो है भाई भी वो यही शुरू हो गए। जीत गई। श्रेया पांडे गॉट, या यही नाम है। बिल्कुल 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 श्रेया पांडे जी, आप अब देखिए यही हंसी मजाक का दौर चलता रहता है। हमारे ऋतिक भाई भी मुस्कुरा रहे हैं अंदर ही अंदर, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। बाकी
जाओ यार दिव्यांशु भैया, क्या फायदा इतने टाइम रहने का यार। श्रेया पांडे जी, मुझे सच में आपका नाम रियल नेम याद नहीं आ रहा है, तो आप खुद ही बता दीजिए ना। इसमें बताने में क्या है। नहीं, लास्ट ईयर आई थिंक आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, बट मुझे सच में नाम याद नहीं आ रहा है अभी, पता नहीं। खुद ही बता दो भाई, खुद ही बता दो। तो आप एक बार फिर से, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बता दीजिए। बिल्कुल, श्रेया पांडे से मेरा हेलो तो करवाओ। करवा दिया बिट्टू भाई, इंट्रोडक्शन करवा दिया आपका। आपका हमने बातचीत करी, अब आपके ऊपर है ना। अब हम यहाँ पे मैच के बारे में डिस्कस करने बैठे हैं ना, अब ये इसके लिए तो फिर अलग से करवाना पड़ेगा हमें लाइव। अच्छा, श्रेया पांडे बोले, अरे श्रेया पांडे ये, अरे सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि आपने जब रिक्वेस्ट भेजी थी तो आपका नाम रियल कुछ अलग था और आपका ये नाम कुछ अलग है। बट पता, अब आपने ही मुझे कंफ्यूज कर दिया यार, सीरियसली। मैं पता नहीं, मतलब इस मामले में ब्लैंक हो गया थोड़ा सा, कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका रियल नेम कुछ और है और आपका ये वाला नाम कुछ और है। बट कोई ना, सॉरी, गलती होती है। राजस्थान रॉयल्स के बाहर होने के खातिर ही माफ कर दीजिए, और क्या बोले अब आप। बाकी तो खैर यार, 7:45 हो गया, आई थिंक मैच टॉस हो गया होगा भाई, 47 हो गए। यहां पर गुजरात टाइटंस हैव वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। हमने तो कहा, अरे यार दिव्यांशु भाई यार, बिल्कुल हमने तो कहा था यार, स्टैटिशियन हो रहे हो आप। वो आईडी में श्रेयांशी है, श्रेयांशी है निकनेम। हां बिल्कुल श्रेयांशी, बिल्कुल, तभी मुझे लगा कि शायद नाम आपका चेंज हो। बट यहाँ पर अब MISRH के मैच में तो खैर रही, रिलैक्स दिव्यांशु भाई, को सब याद है। अरे बिट्टू भाई शुक्रिया। बाकी अगर बात करें दिन के मैच की, MISRH MI जीती है और एक तरफा जीती है, और उसकी बदौलत अब RCB पर टेंशन है, और RCB की बैटिंग है पहले, तो RCB को अब अगर पूरे 20 ओवर का मैच होता है तो भाई बड़ा टारगेट उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। चिन्ना स्वामी है, जीटी क्या करना चाहती, क्यों मोमेंटम में जाना चाहती, रेस्ट क्यों नहीं लेना चाहती, या फिर ये बोल रही कि हमारे पास तो अब रेस्ट है, एक दिन का और रेस्ट है, तो ये हो सकता है। पूरा आईडी नेम बोलो बिट्टू भाई, बिट्टू भाई यहाँ पे नहीं, रुक जाओ, कंट्रोल कंट्रोल, बाद में, कोई बात नहीं। अब श्रेया पांडे जी का अगर लगेगा उनको तो वो दे देंगी, बाकी तो क्या क्या ही बोल सकते हैं, उनकी मर्जी। बट MI और SRH, MI जीत गई है MI के बदौलत, अब RCB पर टेंशन है, संकट मंडरा रहा है कि भाई कैसे भी करके अब उन्हें जीतना है। किस्मत भरोसे भी है RCB, और खुद के भरोसे भी है। किस्मत इसलिए क्योंकि बारिश, खुद के भरोसे इसलिए क्योंकि जीतना। तो अब देखना होगा कि भाई क्या रहता है, मतलब क्या RCB अपने दम पर जीतकर अंदर जाती है, या फिर बारिश खेल बिगाड़ेगा, या GT खेल बिगाड़ेगी, यू नेवर नो। रोहित शर्मा भी अभी रिलैक्स नहीं हुए होंगे जीतने के बाद, वो देख रहे होंगे मैच को क्लोजली कि भाई इस मैच में क्या होता है, क्या वॉशआउट होता है तो सोने पे सुहागा। राजस्थान तो एलिमिनेट है, अब दो टीमें RCB MI, इनमें से कोई एक अंदर जाएगा। भग मुझे क्या लगेगा, मे बी ब्लॉक करने का मन। अच्छा श्रेया पांडे जी, चलिए अब आपकी मर्जी है, आपको ID बताना है, नहीं बताना है, एक्सेप्ट करना है, रिक्वेस्ट नहीं करना। करण शर्मा मिसेस आउट एंड हिमांशु शर्मा रिप्लेसेस हिम। हिमांशु शर्मा ये कौन है भाई? हिमांशु शर्मा को आज मतलब नए लड़के को ले आया इतने इम्पोर्टेंट गेम में, अचानक वो भी डू ऑर डाई में। करण शर्मा को ड्रॉप कर दिया आपने? हाँ, मतलब ना हसरंगा ना कुछ, वही तो अच्छा लेग स्पिनर है यार करण शर्मा, तो बड़ा डिफरेंट ये डिसीजन है, और देखना होगा कि ये उनके पक्ष में जाता है कि नहीं। कह रहे हैं फॉर अस दिस इज एज इम्पोर्टेंट गेम एज द नेक्स्ट गेम, हार्दिक कह रहे हैं। अच्छा क्यों भाई, काय भाई, मतलब कौन से मोमेंटम में आप रहना चाहते हो, आप ब्रेक ले लो ना यार, 21 तारीख के अभी परसों फिर मैच खेलना है आपको, तो थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट भी हो जाएगा। बट हमें लगा था कि शायद नहीं खेलेंगे, बट खेले, सेम टीम के साथ खेल रहे हैं। श्रेया पांडे मैन, टॉक असाइड फाइटिंग, आई थिंक RCB डेफिनेटली डिजर्व्स इट आफ्टर बीइंग द टॉप टीम फॉर सो मेनी इयर्स। बिल्कुल श्रेया पांडे जी, RCB डिजर्व करती है। सॉरी दिव्यांशु भाई, अरे बिट्टू भाई कोई बात नहीं यार, चलता है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सर ऐसा करते हैं, मैं जोर लगा रहा हूँ आईडी लेने पे। अरे अरे कोई बात नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी, देखिए आप लोग की मर्जी है, वो तो आपको आप सकते, अरे हम नहीं बोल रहे भाई, और श्रेया पांडे जी को देना है तो दे देंगे आईडी नेम, वरना हम तो इसमें क्या ही कर सकते हैं, हम तो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा अगर कुछ होता है तो उसे सॉल्व करवा सकते हैं और सॉल्व भी करवा सकते हैं, लड़ाई करवा सकते हैं, दोनों हम पर है, बट हम कुछ नहीं करवाना चाहते फिलहाल। बट अगर मैच की बात करें भाई, तो एक बार फिर से ब्यौरा दे देते हैं कि MI जीत गई है, RCB पर अब डिपेंडेंट है कि RCB अगर हारती है या वॉशआउट होता है तो मैच MI अंदर, MI LSG आप एलिमिनेटर देखेंगे 23 तारीख को, नहीं MI LSG 24, अभी कैसे पता, अगर RCB हारती है या वॉशआउट होता है, अदरवाइज RCB LSG 24 तारीख को। श्रेया जी आईडी नेम भेज दो ना प्लीज, बिट्टू भाई
देख लो अब आप श्रेया जी देख लीजिए अब टॉक असाइड फाइटिंग आई थिंक आरसीबी डेफिनेटली डिजर्व्स इट आफ्टर बीइंग द टॉप टीम फॉर सो मेनी इयर्स एमआई नहीं हम टीम तो बताओ ब्रो टीम भाई सेम है आरसीबी की सेम है आरसीबी सॉरी कर्ण शर्मा को ड्रॉप किया जीटी सेम है और लग रहा था गुजरात टाइटंस रेस्ट देंगी बट नहीं दिया उन्होंने और अब आरसीबी जो है उन्होंने कर्ण शर्मा को चेंज किया दिव्यांशु भाई आपके आईडी भाई मेरी तो दिव्यांशु _1401 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आप इस पे मुझसे जुड़ सकते हैं बाकी खैर अब इस लाइव सेशन को यहाँ पर खत्म करने का समय आया क्योंकि कैमरन ग्रीन की आपके पास वीडियो